नमस्कार दोस्तों, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 7.3 के फोर से आगे क्वेश्चंस को करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में और इससे आगे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें यूज होने वाली कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हमारे पास इनवर्स फंक्शन में 1 - x² की फॉर्म आ जाए, जब भी हमारे पास सपोज यहाँ पे टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स कुछ भी है और उसके साथ 1 - x² की फॉर्म आ जाए, तो हम लोग एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हम एक्स की जगह साइन थीटा और एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, जब भी हमारे पास 1 - x² की फॉर्म आ जाए। दूसरा बच्चों, अगर हमारे पास a² - x² की फॉर्म आ जाए तो हमने सेम पुट करेंगे x इज इक्वल टू a साइन थीटा और a कोस थीटा। हमने x की जगह a साइन थीटा या a कोस थीटा पुट करना बच्चों। नंबर दो, जब भी हमारे पास 1 + x² की फॉर्म आ जाए तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और कोट थीटा, अगर 1 + x² की फॉर्म है। लेकिन अगर a² 1 की जगह a² + x² की फॉर्म है तो बच्चों यहां पे x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो a टेन थीटा आ जाएगा। तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा और a कोट थीटा। तीसरा बच्चों, जब भी हमारे पास x² - 1 की फॉर्म आ जाए, पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा और सीकेंट थीटा। और यहां पे अगर हमारे पास x² - a² की फॉर्म आ जाए तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू a कोसेकेंट थीटा और a सीकेंट थीटा, या तो हम a कोसेकेंट थीटा पुट करेंगे या a सीकेंट थीटा। बच्चों, अब आप लोग सोच रहे होंगे यहां पे साइन और कोस ही क्यों पुट किया, टेन और कोट क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चों अगर हम x की यहाँ साइन थीटा पुट करें तो 1 - sin² थीटा हमारे पास फार्मूला होता है, 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा। लेकिन यार टेंजेंट थीटा पुट करें तो 1 - tan² थीटा हमारे पास फार्मूला नहीं है, 1 - cosec² थीटा नहीं फार्मूला, इसलिए साइन या कोस पुट करें तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बच्चों अगर टेन या कोट पुट करें, 1 + tan² होता है sec², कोट में भी फार्मूला है, 1 + cot² हो जाएगा cosec². और यहाँ पे अगर x² - 1 पुट करें, है ना, x की वैल्यू कोसेकेंट थीटा पुट करें तो cosec² θ - 1 बन जाएगा, ये फार्मूला होता है sec² θ का। सो सीकेंट पुट करेंगे तो cosec² θ का फार्मूला बन जाएगा। इसलिए बच्चों हम इस तरह के जो हमारे पास फॉर्म आती है तो हम उन फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में हम साइन थीटा कोस थीटा, सेकंड फॉर्म में टेन थीटा कोट थीटा, थर्ड फॉर्म में कोसेकेंट सीकेंट थीटा। लेकिन अगर a² के साथ आ जाए ये सभी फॉर्म, तो हम x की वैल्यू बस यहाँ पे अगर साइन थीटा तो a लग जाएगा हमारे पास, a साइन थीटा। फोर्थ बच्चों, अगर हमारे पास रूट के अंदर 1 - x हो या √1 + x हो तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू कोस थीटा। इधर अगर a - x या a + x हो तो हम पुट करेंगे बच्चों x इज इक्वल टू a कोस थीटा। पांचवा, अगर हमारे पास रूट के अंदर 1 - x / 1 + x हो सो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू कोस थीटा। और अगर हमारे पास रूट के अंदर a - x / a + x हो सो पुट करेंगे हम लोग x इज इक्वल टू a कोस थीटा। सिक्स्थ, अगर विदाउट रूट 1 - x / 1 + x विदाउट रूट हो तो हम पुट करेंगे बच्चों x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, क्योंकि 1 - tan θ / 1 + tan θ 10π/4 - θ का फार्मूला है। अगर बच्चों यहाँ पे 1 a - x a + x विदाउट रूट हो इस ये फॉर्म, तो हम पुट करेंगे बच्चों x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा। बच्चों अगर ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो उस फॉर्म में भी हम x वैल्यू tan θ ही पुट करेंगे।
सेवेंथ, कई बार बच्चों हमारे पास इस तरह से आ जाता है कोस इनवर्स 2x² - 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करें, तो इसके लिए हमें प्लस वन में ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जो हमने सेकंड एक्सरसाइज में मैंने आपको करवाए थे वो फार्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर मैं कोस इनवर्स के साथ अगर x की जगह कोस थीटा पुट करूं तो 2cos²θ - 1 हमारे पास cos²θ का फार्मूला होता है बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, कोस थीटा। वो बच्चों हम क्वेश्चंस के हिसाब से हम देखेंगे उसमें कौन सी फॉर्म है, और उसमें अगर साइन थीटा पुट होगा, कोस थीटा होगा या टेन थीटा होगा। जैसे सपोज हमारे पास ऐसे आ जाए कोस इनवर्स 1 - 2x², अब 1 - 2x यानी 1 - 2 साइन पुट करें एक्स की वैल्यू, तो 1 - 2sin²θ हो जाएगा cos²θ का फार्मूला। तो यहाँ पे x = sin θ पुट होगा। तो बच्चों फॉर्म को देख करके हम देखेंगे, अगर हमें प्लस वन के सभी फार्मूले हमें पता है, और मैंने इस एक्सरसाइज के सेकंड एक्सरसाइज में भी मैंने आपको फार्मूले जब मैं सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रहा था तो मैंने फार्मूले सभी बताए थे आपको, तो वो फार्मूले अगर आपको आते हैं तो 101% आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। सो बच्चों बढ़ते हैं आज फोर्थ के फर्स्ट पार्ट पे। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कहता है y = cos inverse 1 + x / 2, और उसने एक कंडीशन दिया बच्चों x = x > -1 and < 1। इस कंडीशन पे हमने इसका डेरिवेटिव करना है। जब ये कंडीशन है तो y का डेरिवेटिव कर, अच्छा y = cos inverse u का फार्मूला लगा सकते हैं बच्चों, लेकिन हमने वो फार्मूला नहीं लगाना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब भी 1 - x या 1 + x की फॉर्म हो तो हम x की वैल्यू cos थीटा पुट करेंगे। ये देखिए, सो यहाँ पे 1 + x की फॉर्म है रूट के अंदर, तो यहाँ पे पहले क्या पुट करेंगे, पुट x = cos θ। तो थीटा आ जाएगा हमारे पास बच्चों cos inverse x, सो y = cos inverse 1 + cos θ बाय 2। और बच्चों 1 + cos θ आपको पहले भी बताया मैंने, जब भी 1 + cos आ जाए तो हम क्या करते हैं, cos inverse 1 + cos θ को हम लिखेंगे 2cos², और जितना यहाँ पे एंगल में उसका हाफ थीटा बाय 2 और अपॉन 2 एज इट इज, 2 से 2 कैंसल। सो y = cos inverse cos θ / 2। अब जो हमें जो कंडीशन दे रखी है इस कंडीशन को हम राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में हम लिख देंगे, when x is -1 to 1, जब हमारे पास x - 1 से 1 है, तो x क्या था हमारे पास cos थीटा, यानी cos थीटा किसके बीच में है हमारे पास -1 से 1 के बीच में, और cos थीटा -1 कितने पे होता है बच्चों, पाई पे, और 1 कितने पे होता है, 0 पे, यानी जो थीटा आएगा हमारे पास 1 कितने पे होता है cos 0 पे, तो 0 से, और -1 कितने पे होता है cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू -1 होती है बच्चों θ = π पे, यानी थीटा हमारे पास 0 आ गया और पाई आ गया, यानी 0 से पाई के बीच में होगा हमारे पास थीटा। तो बच्चों ये हमारी कंडीशन आ गई। सो y = और हमें पता है cos जो इनवर्स है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 0 से पाई है ना बच्चों, 0 से पाई के बीच में क्लोज इंटरवल है, तो ये 0 से थीटा हमारे पास 0 से पाई के बीच में ही है। और लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखेंगे हम लोग थीटा बाय 2 देखना हमने यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे थीटा बाय 2 है, तो थीटा बाय 2 देखना, तो थीटा बाय 2 किसके बीच में होगा बच्चों, तो डिवाइड किया मैंने 2 से, तो इस साइड भी 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0, और पाई को 2 से डिवाइड किया तो पाई बाय 2, तो थीटा बाय 2 हमारे पास होगा 0 से पाई बाय 2 के बीच में। तो ये हो गया 1 और थीटा बाय 2 बचेगा बच्चों, और y = थीटा क्या है हमारे पास, cos inverse x और बटे 2 है तो बटे 2। तो बच्चों y का आप डेरिविटी करेंगे, y का dy/dx 1/2 कांस्टेंट है, cos inverse x का डेरिविटिव -1/√1 - x². तो दिस इज -1 × 1 = √1 - x². सो बच्चों यही हमारा आंसर। सो बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है फोर्थ का, cos inverse 2x * 1 - x², और कंडीशन है
एक्स इज माइनस वन बाय रूट टू वेन एक्स इज बिटवीन माइनस वन बाय रूट टू टू वन बाय रूट टू। सो बच्चों अब हमारे पास ये फॉर्म है वन माइनस एक्स स्क्वायर की, और जब भी वन माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो तो हम पुट क्या करते हैं बच्चों, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। सो थीटा आ जाएगा हमारे पास साइन इस साइड आके साइन इनवर्स एक्स, सो कोस इनवर्स टू साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो बच्चों कोस इनवर्स टू साइन थीटा और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का रूट कोस थीटा, तो कोस इनवर्स टू साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन टू थीटा। और बच्चों साइन और कोस इनवर्स, अब साइन को क्या करो बच्चों कोस में चेंज करो ताकि कोस इनवर्स इंटू कोस वन बन जाए। तो साइन को कोस में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, अब कोस 90 से चेंज करते हैं बच्चों, तो 90 माइनस टू थीटा कह सकते हैं, तो साइन टू थीटा को कोस 90 माइनस टू थीटा बोल दिया। अब बच्चों कंडीशन, व्हेन एक्स इज बिटवीन माइनस वन बाय रूट टू टू वन बाय रूट टू, तो एक्स क्या था मेरे पास बच्चों साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी माइनस वन बाय रूट टू से वन बाय रूट टू कितने के बीच में होता है बच्चों, साइन थीटा माइनस वन बाय रूट टू कितने पे होता है, जब थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय फोर हो, यानी थीटा किसके बीच में हो जब माइनस पाई बाय फोर, और वन बाय रूट टू कितने होता है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर पे है। लेकिन हमारे पास क्या है बच्चों, ये टू थीटा है, तो टू थीटा किसके बीच में होगा बच्चों, टू थीटा होगा हमारे पास, टू से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो इसको टू से मल्टीप्लाई करोगे जब तो ये आ जाएगा पाई बाय फोर है, तो पाई बाय टू आ जाएगा जब टू से मल्टीप्लाई करें, इसको जब टू से मल्टीप्लाई करो तो टू पाई बाय फोर यानी पाई बाय टू। अब बच्चों मैंने क्या किया दोनों साइड, अब आगे क्या है एंगल में मेरे पास क्या है पाई बाय टू माइनस टू थीटा, बच्चों हमने ये चीज बनानी होती है ना, तो पाई बाय टू माइनस, अब मैं क्या करता हूँ दोनों साइड मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मुझे माइनस टू थीटा करना है ना, तो माइनस टू थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये जो माइनस हो जाएगा इसको इस साइड में ले आओ, और जो प्लस हो जाएगा वो इस साइड में आ गया। अब फिर आगे क्या बच्चों पाई बाय टू प्लस करना ना, ये प्लस का पाई बाय टू है ना, तो यहाँ पे पाई बाय टू प्लस करना है, तो पाई बाय टू प्लस करें अगर यहाँ, तो पाई बाय टू माइनस टू थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे पाई बाय टू प्लस करेंगे तो पाई बाय टू प्लस कर दिया, और यहाँ पे पाई बाय टू प्लस करेंगे पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू। सो बच्चों ये तो हो गया जीरो, तो और पाई बाय टू माइनस टू थीटा किसके बीच में आ गया बच्चों, ये आ गया हमारे पास पाई बाय टू में पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू पाई 90 और 90 180 यानी पाई, तो हमारे पास पाई बाय टू माइनस टू थीटा किसके बीच में आया बच्चों, जीरो से पाई के बीच में, यानी कोस इनवर्स, वैसे कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है तो जीरो से पाई के बीच में ही होती है, तो यानी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करता है। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में हम यही प्रिंसिपल वैल्यू करेंगे ना, तो कोस इनवर्स साइन इनवर्स टैन इनवर्स सबकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे ये वाई था हमारे पास, सो अगर ये वाई है तो ये वाई इज इक्वल टू, तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, ये हो गया वन, तो पाई बाय टू माइनस टू थीटा। सो बच्चों वाई इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस टू थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये देखिए थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स। तो अब डेरिवेटिव करते हैं बच्चों, वाई का डी वाई बाय डी एक्स, और पाई बाय टू का जीरो माइनस टू साइन इनवर्स एक्स का डाटी वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, इसका थर्ड पार्ट, वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों इससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊं तो एक बार मैं आपको सेकंड चैप्टर से प्रिंसिपल वैल्यू बता देता हूँ सभी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। तो साइन इनवर्स एक्स की जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है प्रिंसिपल वैल्यू, यानी जो हमारे पास रेंज होती है वो होती है हमारे पास माइनस 90 से 90 का क्लोज इंटरवल, यानी साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू हो इसके बीच में होनी चाहिए।
और कॉस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो होती है हमारे पास 0 से पाई का क्लोज इंटरवल, और टेंजेंट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो होती है हमारे पास -90 से 90 का ओपन इंटरवल, और कोसिकेंट की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है हमारे पास सेम होती है साइन वाली, तो -90 से 90 का क्लोज इंटरवल लेकिन 0 को छोड़ करके, 0 को छोड़ दिया एक्सेप्ट 0। सीकेंट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू तो कोस वाली होती है सेम 0 से पाई, और ओपन इंटरवल एक क्लोज इंटरवल बच्चों क्लोज, लेकिन यहाँ पे छोड़ते हैं हम पाई बाय 2 को छोड़ देते हैं, और कोट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो होती है 0 से पाई लेकिन ओपन इंटरवल। सो बच्चों आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो इन्हीं के बेस पे हम ये क्वेश्चंस की जो ये कंडीशन है उसको करेंगे। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे कोस इनवर्स है इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है 0 से पाई, तो ये जो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा किसके बीच में 0 से पाई के बीच में है ना, देखिए बच्चों तो हमारी ये प्रिंसिपल वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। अब बच्चों बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x है -1 से 1 कंडीशन। सो बच्चों अगर मैं x की वैल्यू टेंजेंट थीटा पुट करूं तो ये 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो पुट करते हैं हम लोग x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो थीटा आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x, सो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है बच्चों हमारे पास टेंजेंट 2 थीटा का। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देखते हैं बच्चों कि क्या ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आएगी। तो x किसके बीच में बच्चों हमारे पास -1 से 1, व्हेन x इज बिटवीन -1 से 1, तो x क्या था हमारे पास टेंजेंट थीटा बच्चों, तो टेंजेंट थीटा -1 से 1 के बीच में है। टेंजेंट थीटा -1 कितने पे होता है बच्चों, पाई बाय 4 पे माइनस के, यानी थीटा की वैल्यू जब माइनस पाई बाय 4 है तब 1 होता है माइनस का, और 1 कितने पे होता है तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे, यानी थीटा किसके बीच में है माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में। लेकिन हमारे पास क्या है बच्चों, ये 2 थीटा है, तो 2 थीटा को देखेंगे हम वो किसके बीच में होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2 पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी पाई बाय 2, यानी 2 थीटा किसके बीच में आया बच्चों माइनस पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो टेन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होती है बच्चों, तो इसको सेटिस्फाई करगी। तो इट मीन्स हमारे पास y इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा ही हो गया 1, तो 2 थीटा बच गया हमारे पास। सो y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x, सो y का dy बाय dx 2 tan इनवर्स x डेट इज 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। सो बच्चों हमने इस कंडीशन पे डेरिवेटिव निकाला तो ये क्या आया 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में x वैल्यू tan थीटा पुट करेंगे तो cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, उसको सेम आप खुद करेंगे। मैं फिफ्थ पार्ट करवाता हूँ बच्चों। फिफ्थ पार्ट है साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब, और x किसके बीच में बच्चों माइनस 1 बाय 2 से 1 बाय 2 के बीच में। सो अगर बच्चों मैं यहां पे x की वैल्यू साइन थीटा पुट करूं तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो यहां पे पुट करते हैं बच्चों x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा, तो ये आया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का फार्मूला। अब बच्चों आपको पता है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू माइनस 90 से 90 होती है, तो ये माइनस 90 से 90 के बीच की होनी चाहिए जो 3 थीटा की वैल्यू है। सो व्हेन हमारे पास थीटा किसके बीच में है जब हमारे पास x किसके बीच में, हमें x गिवन है ना बच्चों माइनस 1 बाय 2 से 1 बाय 2 के बीच में है, तो x क्या है बच्चों हमारे पास साइन थीटा,
साइन थीटा माइनस वन बाय टू कितने पे बच्चों, पाई बाय सिक्स पे, माइनस तीस पे, और वन बाय टू है पाई बाय सिक्स पे। बच्चों एक्स क्या था हमारे पास, साइन थीटा, तो एक्स मीन साइन थीटा किसके बीच है, माइनस वन बाय टू, पहले तो हम ये लिखेंगे माइनस वन बाय टू से वन बाय टू के बीच में हो रहेगा, एक्स की जगह साइन थीटा पुट किया। अब साइन थीटा माइनस वन बाय टू कितने पे होता है बच्चों, साइन थीटा माइनस वन बाय टू होता है जब थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय सिक्स हो, माइनस पाई बाय सिक्स, और वन बाय टू जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स हो। तो हमने बच्चों किसको देखना है, हमने देखना है थ्री थीटा को। जब थ्री थीटा किसके बीच में होगा बच्चों, मैं इसको यहां पे करता हूं, यहां पे देखिए बच्चों, तो थ्री थीटा बीच हमारा होगा, थ्री थीटा तीन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, जब इसको तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई बाय टू आ जाएगा, और इसको तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का पाई बाय टू। तो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होती है बच्चों, ये देखिए मैंने आपको दिखाया था, करवाया था माइनस पाई बाय टू, तो यानी ये इस प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करके थ्री थीटा, तो साइन इनवर्स इंटू साइन ये हो गया वन, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया थ्री थीटा, और वाई इज इक्वल टू थ्री थीटा क्या है साइन इनवर्स एक्स, ये देखिए बच्चों थीटा यहां से कितना आएगा साइन इनवर्स एक्स, सो वाई का बच्चों डी वाई बाय डी एक्स, और थ्री साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्टिव वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ पार्ट, वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, और x भी किसके बीच में बच्चों माइनस वन से वन के बीच में। सो बच्चों अगर मैं x की वैल्यू टेन थीटा पुट करूं, मैंने आपको बताया था जब भी विदाउट रूट वन प्लस एक्स हो या अपॉन वन माइनस एक्स की फॉर्म हो तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए मैंने आपको फॉर्म बताई थी जब वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स की फॉर्म हो तो x वैल्यू टेन थीटा पुट की जाती है। तो यहां पे पुट किया हमने x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो थीटा आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स, सो वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स वन प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन वन माइनस टेंजेंट थीटा। सो बच्चों अगर कोट इनवर्स है, इसको टेंजेंट इनवर्स में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो वाई इज इक्वल टू इसको टेंजेंट इनवर्स बना लिया तो ये वन माइनस टेन थीटा ऊपर आ जाएगा और अपॉन वन प्लस टेन थीटा नीचे आ जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये किसका फार्मूला बच्चों, टेंजेंट पाई बाय फोर माइनस थीटा का फार्मूला है, ये मैंने सेकंड एक्सरसाइज में करवाए थे आपको फार्मूले। तो अब देखते हैं कंडीशन, कंडीशन क्या है, x की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में दे रखी है, व्हेन x इज बिटवीन माइनस वन टू वन। सो x क्या था हमारे पास, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा बच्चों माइनस वन से वन के बीच में है, और टेंजेंट थीटा कितने पे होता है माइनस वन, माइनस पाई बाय फोर पे, जब थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय फोर हो, थीटा माइनस पाई बाय फोर हो, और वन होता है पाई बाय फोर पे। हमने देखना क्या है, पाई बाय फोर माइनस थीटा, यानी पहले मैंने माइनस थीटा दिखा बनाना है, ये देखिए हमें ये देखना है, ये एंगल देखना है, तो पहले हम माइनस थीटा बनाएंगे बच्चों। तो माइनस थीटा कैसे होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, जब इसको करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस पहले आ जाएगा और प्लस बाद में आ जाएगा बच्चों। अब हमने बनाना क्या है, पाई बाय फोर माइनस थीटा, यानी पाई बाय फोर ऐड करना है दोनों साइड, तो पाई बाय फोर कैसे बनेगा बच्चों, अब मैं पाई बाय फोर इसमें ऐड कर दूं, मैंने इसमें पाई बाय फोर ऐड कर दिया तो दोनों साइड पाई बाय फोर ऐड हो जाएगा। जब पाई बाय फोर यहां ऐड होएगा बच्चों तो पाई बाय फोर माइनस पाई बाय फोर, और जब यहां पे ऐड होगा पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर। सो जो ये वैल्यू आई है जीरो से पाई बाय फोर माइनस थीटा की जो वैल्यू आई है जीरो से पाई बाय टू, यानी जो टेन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू माइनस नब्बे से नब्बे होती है और ये जीरो से नब्बे है, यानी उसके बीच की है ना, ये जीरो माइनस नब्बे से नब्बे के बीच में आता है ना जीरो, जीरो से नब्बे, तो जीरो से नब्बे हमारा माइनस नब्बे के नब्बे के बीच में आता है। तो यहां पे क्या बन जाएगा बच्चों,
यानी ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू को सेटिस्फाई करती है ना, जीरो माइनस नब्बे से नब्बे के बीच में होनी चाहिए, तो ये वैल्यू जीरो से नब्बे माइनस नब्बे से नब्बे के बीच में है, इट मीन्स ये सेटिस्फाई करती है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू को टेन इनवर्स की, तो ये हो गया वन, तो यहाँ पे बच गया पाई बाय फोर माइनस थीटा। सो वाई इज इक्वल टू पाई बाय फोर माइनस थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, थीटा हमने क्या पुट किया है टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स। अब बच्चों इसका डेरिवेटिव करेंगे वाई का डी वाई बाय डी एक्स, पाई बाय फोर का जीरो माइनस टेन इनवर्स एक्स का वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है बच्चों सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ पार्ट, फोर्थ का सेवेंथ पार्ट। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, और जब कब, जब x इज बिटवीन जीरो से वन के बीच में। सो बच्चों पुट करेंगे हम यहां पे, अगर मैं एक्स स्क्वायर को टेंजेंट थीटा पुट कर देता हूं बच्चों, तो वन प्लस टेंजेंट थीटा और वन माइनस टेंजेंट थीटा, टेंजेंट पाई बाय फोर प्लस थीटा का फार्मूला बन जाएगा। सो मैंने एक्स स्क्वायर को टेंजेंट थीटा पुट किया, सो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन वन माइनस टेंजेंट थीटा। सो बच्चों यहां पे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये फार्मूला हमारे पास टेंजेंट पाई बाय फोर प्लस थीटा का, सो ये हो गया बच्चों वन, तो ये वन हो जाएगा, लेकिन पहले कंडीशन देखते हैं बच्चों, कंडीशन दे रखे व्हेन एक्स इज बिटवीन जीरो से वन, एक्स क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर है हमारे पास टेन थीटा, तो एक्स जीरो से वन है, तो स्केयरिंग बोथ साइड करें तो एक्स स्क्वायर किसके बीच में होगा, जीरो से, जीरो का स्क्वायर जीरो और वन का स्क्वायर वन, तो एक्स स्क्वायर क्या बच्चों हमारे पास टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा किसके बीच में होगा बच्चों, जीरो से वन के बीच में होगा। देखिए बच्चों दोबारा बताता हूं, एक्स जीरो से वन के बीच में दे रखा है, लेकिन हमने एक्स स्क्वायर को पुट किया है, तो एक्स स्क्वायर बनाना है, तो स्केयरिंग बोथ साइड जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन, तो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर को हमने टेन थीटा, तो यानी टेन थीटा किसके बीच में, जीरो से वन, टेन थीटा जीरो कितने पे होता है बच्चों, जीरो पे, और वन कितने पे होता है टेंजेंट थीटा, पाई बाय फोर पे, यानी थीटा हमारा कितने हो गया, जीरो से पाई बाय फोर, और जो हमारा जीरो से पाई बाय फोर है, टेंजेंट की जो प्रिंसिपल वैल्यू है माइनस नब्बे से नब्बे के बीच में लाई करता है, सो यानी इसको सेटिस्फाई कर गया, सो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये सेटिस्फाई कर गया, तो ये हो गया वन, तो हमारे पास यहां बच गया पाई बाय फोर प्लस थीटा। सो वाई इक्वल टू पाई बाय फोर प्लस थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, यहां से थीटा निकालते हैं, थीटा आएगा टेन इनवर्स उस साइड में एक्स स्क्वायर, इस टेन उस साइड जाएगा टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर। सो वाई का बच्चों डी वाई बाय डी एक्स, पाई बाय फोर का यहां पे हो गया जीरो, टेन इनवर्स यू का फार्मूला वन बाय वन प्लस यू स्केयर, यानी एक्स स्केयर का स्केयर, एक्स की पावर फोर, और डेरिवेटिव एक्स स्केयर आ गया हमारे पास टू एक्स। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बिल्कुल सेम है बच्चों, नेक्स्ट है एट्थ पार्ट, वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स वन माइनस एक्स स्केयर अपॉन टू एक्स, और x दे रखा है हमें माइनस वन से वन के बीच में। सो बच्चों कोट इनवर्स को टेन में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, टू एक्स ऊपर हो जाएगा और वन माइनस एक्स स्क्वायर नीचे। अब पुट कर दो यहां पे x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, अगर x को टेंजेंट थीटा पुट करें तो थीटा क्या आ जाएगा बच्चों यहां पे, टेंजेंट इनवर्स x, टेन इनवर्स x आ जाएगा, तो यहां पे y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टू टेंजेंट थीटा अपॉन वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टू टेन थीटा बटे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेंजेंट टू थीटा का फार्मूला है बच्चों, और आपको पता है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, तो बच्चों हमें कंडीशन दे रखी है व्हेन x इज बिटवीन माइनस वन से वन, किसके बीच में है, माइनस वन से वन, और टेंजेंट थीटा माइनस वन कितने पे होता है, थीटा की वैल्यू जब माइनस पाई बाय फोर है, और वन होता है थीटा की वैल्यू पाई बाय फोर पे। सो बच्चों
हमने देखना क्या, टू थीटा, तो टू से मल्टीप्लाई करो टू थीटा, तो इस साइड में जब टू से मल्टीप्लाई है टू पाई बाय फोर हो जाए, टू पाई बाय फोर मीन्स पाई बाय टू, जब इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पाई बाय टू हो जाएगा। और आपको पता है टेंजेंट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है माइनस नब्बे से नब्बे होती है, तो यानी इसको सेटिस्फाई कर गया, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ये हो गया वन, सो टू थीटा बच गया बच्चों, और y इज इक्वल टू टू, थीटा की वैल्यू क्या कितनी है बच्चों, टेन इनवर्स x, सो y का हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, टू टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव है बच्चों वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन, हमें दे रखा है y इज इक्वल टू फोर्थ का नाइन्थ पार्ट, रूट टेन इनवर्स रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। सो बच्चों जब मैंने बताया था आपको, फॉर्म बताई थी, जब a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स की फॉर्म है, आज की वीडियो मैंने स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था, जब भी a माइनस एक्स और a प्लस एक्स की फॉर्म है तो ये देखिए इसमें x की वैल्यू एक cos थीटा पुट करेंगे, तो यहां पे पुट करो पुट, और कंडीशन दे रखे बच्चों x इज ग्रेटर देन माइनस ए टू ए, सो पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा, तो cos थीटा आ जाएगा बच्चों हमारे पास x अपॉन a, और थीटा आ जाएगा cos इनवर्स x अपॉन a। सो बच्चों जब यहां पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए माइनस ए cos थीटा अपॉन ए प्लस ए cos थीटा, सो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ए कॉमन आया बच्चों वन माइनस cos थीटा, और नीचे से भी ए कॉमन वन प्लस cos थीटा, ए से ए कैंसल, सो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वन माइनस cos थीटा होता है टू साइन स्क्वायर, जितना है पे इसका हाफ थीटा बाय टू, और ये होता है टू cos स्क्वायर थीटा बाय टू, टू से टू कैंसल, सो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर, और टेंजेंट स्क्वायर का रूट टेंजेंट थीटा बाय टू। अब बच्चों इसकी प्रिंसिपल वैल्यू चेक करनी है, तो इसके लिए कंडीशन दे रखी है व्हेन x इज बिटवीन माइनस ए टू ए, तो हमारे पास क्या है x क्या है a cos थीटा, सो a cos थीटा, हमने x को a cos थीटा पुट किया है, किसके बीच में माइनस ए से a, a दोनों साइड कैंसिल हो गया, a a एक यहां से कैंसिल हो गया, तो माइनस वन से cos थीटा कितने आएगा वन आएगा बच्चों, और cos थीटा माइनस वन होता है पाई पे और वन होता है जीरो पे, यानी ये आ गया हमारे पास जीरो से थीटा, आ गया हमारे पास जीरो से पाई के बीच में, लेकिन हमारे पास क्या थीटा बाय टू है बच्चों, ये थीटा बाय टू है, तो हमारे पास थीटा बाय टू क्या आएगा, थीटा बाय टू आएगा हमारे पास जीरो बटे दो जीरो, और पाई बटे दो पाई बाय टू, तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू को सेटिस्फाई करती है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास वन, सो थीटा बाय टू बच जाएगा बच्चों, ये टेन इनवर्स टेन ये हो गया वन, सो वाई इज इक्वल टू थीटा क्या है हमारे पास बच्चों कोस इनवर्स एक्स बटे ए, बटे दो है तो बटे दो यहां लिख दिया बच्चों। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों वाई का डी वाई बाय डी एक्स, वन बाय टू कॉन्स्टेंट है, कोस इनवर्स यू का डेरिवेटिव माइनस वन बाय रूट वन माइनस यू स्क्वायर, यानी एक्स बटे ए का स्केयर, और डेरिवेटिव एक्स बटे ए का डेरिवेटिव है बच्चों वन बाय ए, सो वन बाय टू इंटू वन अपॉन रूट में ये एक्स स्केयर बटे ए स्केयर है, तो ए स्केयर एलसीएम हो गया बच्चों, सो ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इंटू वन बाय ए, तो ये बचा हमारे पास वन बाय टू इंटू वन अपॉन रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और नीचे ए स्केयर का रूट हो गया बच्चों ए इंटू वन बाय ए, तो ए से ए कैंसल, सो आंसर आया हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ ए से ए कैंसल हो गया बच्चों, तो आ गया हमारे पास वन अपॉन टू, ये माइनस भी है ना साथ में बच्चों, तो ये माइनस यहां भी लिख दिया यहां भी, और ये माइनस वन बाय टू रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर।
तो बच्चों ये थे हमारे कंडीशंस वाले सम। अब तो जो जितने भी सम है वो हमारे बिना कंडीशन के हैं। सो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1+x² है। बच्चों मैंने बताया था जब भी 1+x² की फॉर्म हो तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सो थीटा आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x। सो यहां पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1+x² x को टेंजेंट थीटा पुट किया बच्चों तो टेन स्केयर थीटा। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1+tan² थीटा होता है सीकेंट स्केयर थीटा बच्चों, और सीकेंट स्केयर थीटा का स्केयर रूट हो गया बच्चों ये। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स सीकेंट स्केयर थीटा का रूट हो गया सीकेंट थीटा। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स सीकेंट थीटा ऊपर जाके कोस थीटा बन गया बच्चों, और कोस को साइन में चेंज करना हो बच्चों तो साइन इनवर्स कोस को साइन में चेंज करना हो तो साइन 90 - थीटा। ये हो गया बच्चों 1। तो y हमारे पास आया π/2 - थीटा। अब dy/dx कितना आएगा y इज इक्वल टू और y π/2 - थीटा क्या था बच्चों हमारे पास टेन इनवर्स x। सो y का बच्चों dy/dx डेरिवेटिव करते हैं π/2 का 0 और टेन इनवर्स x का 1/1+x². सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट फिफ्थ का सेकंड पार्ट y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4√x/1 - 4x। सो बच्चों देखिए y इज इक्वल टू टेन इनवर्स इसको 4√x को 2√x बोल सकता हूँ बच्चों मैं, और नीचे 1 - 4x को मैंने 2√x सारे का होल स्केयर बोल दिया बच्चों। कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, 2√x का स्केयर 4x होगा ये। ऐसा क्यों किया बच्चों? क्योंकि अगर मैं 2√x और 10 थीटा पुट कर दूं तो 2 tan θ / 1 - tan²θ 10 2θ का फार्मूला बन जाएगा। सो पुट कर दो अब आगे 2√x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सो थीटा आ जाएगा बच्चों टेंजेंट इनवर्स 2√x। सो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 tan θ / 1 - 2√x को 10 थीटा तो टेंजेंट स्केयर थीटा। सो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 tan θ / 1 - tan²θ टेंजेंट 2θ का फार्मूला बच्चों, और ये हो गया 1। सो y इज इक्वल टू 2θ। थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? टेन इनवर्स 2√x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों dy/dx 2 ऐसे कैसे टेन इनवर्स u का dt 1/1+u² यानी 2√x का स्केयर, और डेरिवेटिव ऑफ 2√x 2 तो कांस्टेंट है बच्चों √x का 1/2√x इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो हमारा आंसर आया 2/1+2² 4x। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पार्ट करने से पहले मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सेकंड चैप्टर में एक फार्मूला करते हैं हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला हम करते हैं, वो है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - xy। ये फार्मूला हम यूज करते हैं सेकंड चैप्टर में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। सो बच्चों अगर प्लस है तो यहाँ ऊपर प्लस और नीचे माइनस, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाता है नीचे प्लस, तो आगे जितने समय उनमें ये फार्मूला यूज होगा बच्चों तो इसको मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। सो आपने इस फार्मूले को ध्यान रखना है बच्चों। तो फोर्थ पार्ट क्या है? टेंजेंट इनवर्स √a+√x/1+√ax। सो बच्चों देखिए फार्मूला बन गया a+b/1 - xy, ये वाला फार्मूला बन गया ना x+y/1 - xy। सो ये फार्मूला हो गया हमारे पास y इक्वल टू टेन इनवर्स √a+tan√x। ये सेम फार्मूला बन गया ना आइडेंटिटी। सो y का बच्चों dy/dx
टेन इनवर्स ए रूट ए का हो गया जीरो, और टेन इनवर्स रूट एक्स का, टेन इनवर्स यू का वन बाय वन प्लस यू स्केयर रूट एक्स का स्केयर, और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स वन बाय टू रूट एक्स। सो बच्चों जो हमारा आंसर आया है वन बाय टू रूट एक्स और वन प्लस रूट एक्स का स्केयर हो गया सिंपल एक्स। फिफ्थ पार्ट देखिए बच्चों, फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर थ्री बाय टू। सो बच्चों देखिए टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर थ्री बाय टू को बच्चों एक्स की पावर वन बाय टू और एक्स की पावर वन बोल सकता हूं, ये रूट एक्स इंटू एक्स बोल सकता हूँ एक्स पावर थ्री बाय टू को, क्योंकि बेस सेम है पावर ऐड हो जाती है वही वन बाय टू प्लस वन थ्री बाय टू हो जाएगी। ऊपर माइनस है बच्चों तो माइनस, अगर माइनस है अगर यहाँ पे माइनस होता ऊपर नीचे प्लस तो ये माइनस का फार्मूला बन जाता। तो देखिए बच्चों टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे वन प्लस एक्स वाई, ये फार्मूला बन गया बच्चों हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। अब बच्चों इसका डेरिवेटिव हमें आता है वाई का डी वाई बाई डी एक्स, टेन इनवर्स रूट एक्स का आएगा बच्चों वन बाय, ये देखिए हमने किया हुआ है यहाँ पे टेन इनवर्स रूट एक्स का डायरेक्टली ये कर रखा है हमने, ये आया हमारे पास वन बाय टू रूट एक्स इंटू वन प्लस एक्स, मैंने ऊपर से देख लिया बच्चों क्योंकि अभी मैंने किया है लास्ट समय, और टेन इनवर्स एक्स का डायरेक्टली है बच्चों वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x की पावर वन बाय थ्री प्लस a की पावर वन बाय थ्री बटे वन माइनस x की पावर वन बाय थ्री a की पावर वन बाय थ्री। y इज इक्वल टू ये a प्लस बी बटे वन माइनस ए बी टेन इनवर्स, या दूसरा ये कह सकते हैं x प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स इंटू वाई, फार्मूला है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई का। सो बच्चों यहां पे वाई का डी वाई बाई डी एक्स, टेन इनवर्स यू का फार्मूला वन बाय वन प्लस यू स्केयर यानी एक्स पावर वन बाय थ्री का स्केयर, और डेरिवेटिव ऑफ यू डेरिवेटिव किसका एक्स पावर वन बाय थ्री का, और इसका बच्चों हो गया जीरो। सो ये आया हमारे पास वन बाय वन प्लस एक्स पावर टू बाय थ्री, और x की पावर 1 बाय थ्री का डायरेक्टिव 1 बाय थ्री एक्स की पावर माइनस टू बाय थ्री, 1 बाय थ्री नीचे और x की पावर 1 बाय थ्री माइनस वन एक्स पावर माइनस टू बाय थ्री। सो इसको अगले स्टेप में हम नीचे ले आएंगे बच्चों 1 बाय वन प्लस एक्स की पावर 2 बाय थ्री, और ये 3 है ये आगे आ गया बच्चों, और x की पावर माइनस टू बाय थ्री नीचे आके x की पावर 2 बाय थ्री। सो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चन, बाकी के जो बचे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।